नमस्कार, मैं शालिनी। आज मैं आपको एक मस्त भरता बनाकर बतलाऊंगी, बैंगन टमाटर आलू वगैरह से। ये बनता बहुत स्वादिष्ट है, तो चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ ये बनता कैसे है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम एक लोहा का तवा रख देंगे और उसके ऊपर जितना टमाटर आपको पकाना है आप उस पर डाल सकते हैं। मैंने एक ये भरता बैंगन लिया है और इसे बिल्कुल तेज आंच करके और पकने को चढ़ा दिया है। और इस पर यही देखिए 5-6 टमाटर डाल दिया है मैंने। एक साइड पक गया तो हम इसे इस तरह से उलट देंगे और उलट कर हम इसे पकाएंगे। जैसे देखिए भरता एक साइड पक गया है, तो इस तरह से देखिए पका है, तो इसे हम इस तरह से पलट देते हैं और पलट कर हम चारों तरफ पूरे सब साइड में हम पका लेंगे। 2-3 साइड आप भरता को पकाएंगे ना बैगन को, तो ये 2-3 साइड में ही पूरी तरह से पक जाता है। फिर भी मैं चारों तरफ उलट पलट देती हूँ। थोड़ा इसके जलन के कारण, जो तवा पर रख करके ये जलता है उसके कारण इसका स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसलिए सबसे पहले तो हम यही करते हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है, अब हम बिल्कुल स्टोव को बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये बॉयल किया हुआ आलू है, एक भरता और 4-5 टमाटर में हम 2-3 आलू ले लेंगे। ये बॉईल किया हुआ है, इसे क्या करते हैं देखिए, ये जो गर्म तवा है इसके ऊपर डाल देंगे। अब जब बैंगन टमाटर पकता रहता है तब भी हम डाल सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन देखिए अब वो मैंने हटा दिया है बैंगन टमाटर और इसे हम थोड़ी देर, एकदम तेज फ्लेम है इस पर ही हम इस आलू को रख देते हैं और थोड़ी देर के लिए हम इसे थोड़ा सूंधा कर लेते हैं। इस पर रख के बस थोड़ा सा ऐसे देखिए इसका जो छिलका है ना वो जलता जाएगा, तो इस तरह से कर देंगे, थोड़ा और जला लेंगे, तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। एक बैंगन, 5 टमाटर और 3-4 आलू डालूंगी। उसके लिए मैंने लिए हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च बिल्कुल स्वाद के अनुसार लेना है, कम तीखा ज़्यादा तीखा जो जैसा खाते हैं वैसा लेंगे। अदरक, लहसुन की कलियाँ, ये भी कम से कम 10-12 होंगी, और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है ये लेना है, और साथ ही साथ हरे धनिया की पत्ती, इसे मैंने काट के रखा हुआ है। और इन सबको मैं बस थोड़ा सा एक बार पॉट में डालूंगी। और एकदम बारीक नहीं पीसना है, बस हल्का सा एक बार रन करेंगे ना तो ये जैसा पीस जाता है वैसा ही पीसना है, बस मोटा मोटा पीसना है हमें इसे। आप इसे चाहे तो खल में डालकर कूट भी सकते हैं, बस वैसा ही हमें इसे पीसना है। ये देखिए बैंगन और टमाटर मैंने पहले से पका के रखा हुआ है, इसे छीलेंगे।
बैंगन को पकाने से पहले अच्छी तरह से चारों तरफ चेक कर लेना है, सब जगह। कहीं से इसमें होल नहीं होना चाहिए। होल है तो समझिए अंदर खराब हो सकता है बैगन। इसलिए बैगन को सबसे पहले तो लेने के समय ही अच्छी तरह से चेक कर लें। होल वाला बैगन है तो लेना ही नहीं है। हर जगह इसका ऊपर के टॉप में भी आप चेक करके लें, क्योंकि ऊपर में भी कभी कभी होल रहता है और कीड़ा अंदर रहता है। इसलिए बैगन लेने के समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। इसी तरह से सारे टमाटर को भी हम छील लेंगे। 5-6 टमाटर हम डाल सकते हैं एक बैगन में। बैगन के अनुसार बैगन कैसा है, बड़ा छोटा? ये भरता बैगन अच्छा खासा बड़ा था। हम इसमें आलू डालते हैं तो टमाटर थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 6, आराम से 6 टमाटर लग जाता है मीडियम साइज का। इस तरह से हम टमाटर को छील लेंगे। ऊपर का स्किन बहुत ही आसानी से निकल जाता है, जला हुआ है ना, इसलिए। आलू को भी जलाया है तो आलू को भी इसी तरह से छील कर निकाल लेंगे। अब इसको थोड़ा सा जला देने से क्या होता है ना, इसका टेस्ट ही बढ़ जाता है आलू का। और पके हुए बैगन से जो रस निकलता है उसको बिल्कुल नहीं फेंकिए, इसमें ही डालिए। अभी ये सब टमाटर भी छीलना है। आलू का थोड़ा बहुत स्किन भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आलू को आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप हाथ से हो जाए तो आराम से हाथ से कर दीजिए। मैंने एक बर्तन को स्टोव पर चढ़ा के रखा है, इसमें ही मैं भरता बनाऊंगी। इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा तेल, करीब 2 चम्मच। तेल थोड़ा गर्म हो चुका है, हम इसमें इस पेस्ट को डाल देंगे। अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो पेस्ट है इसको डाल देंगे। इसे भूनना नहीं है, इसमें ही डाल देती हूँ 1 चम्मच नमक। इस भरता को डालेंगे। जिसमें भरता बनाया था उसी बर्तन में थोड़ा पानी ले लेंगे और इसमें करीब 1 ग्लास 200 ml पानी डाल देते हैं।
बस एक गिलास, उससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। एक बॉईल आने देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से एक बॉईल आने देते हैं। ये बनकर तैयार हो गया। बस एक बॉईल आना है, हम बंद करेंगे। ये बिल्कुल बन चुका है। मैंने आपको तवे के ऊपर और साथ ही साथ ओवन में दोनों ही तरीके से लिट्टी बनाना बतलाया हुआ है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये देखिए अच्छी तरह से मैंने धनिया के पत्ता को मिक्स कर दिया है। तो देखिए आलू टमाटर बैंगन का स्वादिष्ट भरता बनकर तैयार है। इसे आप रोटी पराठा लिट्टी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं।